नमस्कार, मैं हूं सचिन पाठक और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। जैसा कि आपको विदित है कि आज भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है और उसी श्रृंखला में 125 कैंट विधानसभा से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है श्री संजीव अग्रवाल जी को। तो आइए आज उनसे रूबरू होते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि भाजपा हाईकमान ने आपको विश्वास जताया है और आपको जो 125 कैंट विधानसभा से आपने आवेदन किया था उसके लिए आपको उम्मीदवार घोषित किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। आर भारत न्यूज़ चैनल पार्टी ने जो विश्वास जताया है, निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत है। 125 कैंट विधानसभा से पार्टी की और नेतृत्व की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जनता में एक विश्वास का माहौल है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में एक दृढ़ विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास की धारा बहा दी है। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हर क्षेत्र को और देश के प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करना, समृद्धशाली करना, शक्तिशाली बनाना और विकास की मेन धारा से जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है और हमारी पार्टी का नेतृत्व इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। कोरोना काल में हमारे नेतृत्व ने जिस साहस और जिस परिश्रम का परिचय दिया, जनता में वो विश्वास जगा और इस राष्ट्रव्यापी नहीं विश्वव्यापी महामारी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुंचकर जो सेवा का काम किया, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे भोजन व्यवस्था हो, गल्ले की व्यवस्था हो और ख़ास करके हमारी सरकार के द्वारा गरीबों को जो मुफ्त खाद्यान्न बांटने का काम हुआ और गरीबों की चिंता करी, वो निश्चित रूप से जनता में एक विश्वास जगा कि आज हमारी सरकार है, हम लोग की चिंता करने वाली सरकार है। जो विश्वास जनता में हमारे नेतृत्व ने जगाया है, उस विश्वास को अभी अमित शाह जी की जन विश्वास यात्रा में आपने देखा, पूरा नगर बरेली शहर आज़ादी के बाद पहली बार जन समूह हमारे नेता के दर्शन के लिए, उनको सुनने के लिए, उनमें विश्वास जताने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा था। और इस बात का परचायक है कि आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 लक्ष्य से अधिक 350 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, आपको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, आप पर उम्मीद जताई है, आप किन चुनावी मुद्दों के साथ जनता के समक्ष आएंगे? विकास की धारा बह रही है। एक कोई पार्टी तो चुनाव बहुत दिनों से लड़ रही है, हम लोग निरंतर संपर्क कर रहे हैं। पार्टी कह रही है हर सीट पे योगी जी हैं और कमल का निशान है और कार्यकर्ता उसी को देख के चुनाव के लिए कमर कसे हुए है। और जो विकास सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास, जो निरंतर हमारी पार्टी इसमें काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। और इस कैंट विधानसभा के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं जनता के बीच में रहते हुए जनता के लिए हर समय तैयार हूँ और जो भी जरूरी होगा वह कार्य करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी और मेरी भावी शुभकामनाएं हैं कि आप भारी बहुमत से विजयी हों और ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।